परमानन्दं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं श्रीहरे नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सांदीपनी विद्यानिकेतन के इस पवित्र स्थली में, श्री हरि मंदिर के इस प्रांगण में, सभागृह में और विष्णु सहस्र नाम प्रवचनमाला के छठवें पुष्प में सम्मिलित हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मनसा साक्षात दंडवत प्रणाम। फिर से आप सभी को जय श्री कृष्ण। कल गुरुदेव ने कहा कि अनीश, छठवें प्रवचनमाला का पहला शब्द था अनीश। छठवा मतलब छ, हमारे शरीर के षड रिपु एवं षड गुणों से ऊपर उठने का यह समय है, इसलिए हमें अनीश भगवान की ओर देखना है। तो हमारे दोषों का दर्शन करते हुए, षडंग वेद भगवान के किसी एक अंग का ध्यान करते हुए, किसी एक विद्या में पारंगत होते हुए हमें हमारा जीवन सफल करना है। कल ही गुरुदेव ने कहा कि नामासौ नामौषधि है, तो यहाँ से जो भाव प्रवाह चल रहा है उसी में हमने कल अनुभव किया कि यहाँ से एक नाम प्रवाह भी चल रहा है। एक एक नाम का विशिष्ट विशिष्ट अर्थ हमें मिलता है। तो इस नाम प्रवाह में हमने देखा कि कई बार तालाब में, नदी में या समंदर में जो कोई तैरता है उसको देखते हुए अन्य लोगों को भी इच्छा होती है कि हम लोग भी अभी स्नान कर ले, तैरें। तो वो तैराकू पानी के छींटे लगाता है या पानी उन पर फेंकता है या स्वयं ही कहीं किसी और जगह से आके उनको तैरने के लिए मजबूर करता है, धीरे से पानी में ले जाता है। वैसे ही पूज्य भाईश्री एक एक शब्द के जो अर्थ हमें देते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें वह प्रवाह में ले ही जाते हैं, चाहे वह लक्ष्यार्थ हो, शब्दार्थ हो, वाच्यार्थ हो, लौकिकार्थ हो, वैदिकार्थ हो या सामान्य अर्थ हो। अनेक अनेक अर्थों से गुरुदेव हमें इस प्रवाह में ले चलते हैं। ऐसे हम अति सौभाग्यशाली इस प्रवचनमाला के प्रसंग में सम्मिलित हुए हैं, इसलिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए, यह द्वितीय दिवस के पूजा के लिए मैं मुख्य यजमान श्री बजरंगलाल तापड़िया जी, हमारे प्रिय दादाजी मुंबई से, एवं दैनिक यजमान स्वर्गस्थ महेंद्र भाई पटेल नैरोबी से, इन दोनों के प्रतिनिधि रूप में हमारे सांदीपनी के ऋषि कुमार ही यहाँ पूजा करेंगे। और दैनिक यजमान गौरी मनोज सेन मुंबई से एवं साथ में सोना बहन दमानिया दुबई से, आप भी यहाँ आएंगे और पोथी पूजा के लिए सम्मिलित होंगे। सांदीपनी के वर्तमान ऋषि कुमार शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र यहाँ पोथी पूजा संपन्न कराएंगे। द्वितीय दिवस की पूजा के लिए हम लोग साथ में जुड़ते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण। हस्ते गन्धाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा विष्णुं ध्यायेत्। हरिः ॐ माविष्णोरराटमसि विष्णोः स्नत्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ भूर्भुवः स्वः वाङ्मयस्वरूपाय नमः, शाश्वतस्थिराय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालिकां च माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो, मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। ॐ भूर्भुवः स्वः
वाङ्मयस्वरूपाय नमः बहुपुष्पविभूषिताय नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि व्यासपूजनम् नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये पुष्पमालिकां समर्पयामि देवाग्रे नैवेद्यं निधाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रेण जलेन सम्प्रोक्ष्य धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य चक्रेण संरक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ प्राणाय स्वाहामपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा शरीरं समर्पयामि उक्तवन्तं भगवन्तं ध्यायेत् हरिः ॐ मानाभ्या आसीदन्तरिक्षकोशेषाद्योः समवतत पृथ्व्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकां अर्पयन् पुनर्भोजयेत् ॐ प्राणाय स्वाहा नैवेद्यान्तेयाचमनीयमर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि प्रदक्षिणा हरिः ॐ मा सप्तास्यासं परिधय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा जन्यग्नन्तं वा अबध्नन् पुरुखं पशुं वा सशङ्खचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सशिरुहेशं सहायवक्ष स्थलकौस्तु भश्रियं नमामि शोकनाशाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्रीहरि भगवान् की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान् की जय। आज द्वितीय दिवस की प्रातःकालीन पूजा संपन्न हुई। यजमानों ने यहाँ आकर पूजा की एवं जो अनुपस्थित है उनके प्रतिनिधि रूप में ऋषि कुमार के द्वारा यहाँ पूजा संपन्न हुई। द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र के विराम के बाद पूज्य भाई श्री श्री हरि की बगीची में विकलांग साधन सहायक कैंप में जाएंगे, तो हम भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहां जाके सभी एक साथ रहेंगे तो हमें भी संस्था की सेवा की प्रवृत्तियों का पता है ही, फिर भी और ज़्यादा पता चलेगा। एवं कृपावतार पूज्य भाई श्री के चरणों में फिर से नमस्कार करते हुए हमें ज्ञानोपदेश करने के लिए प्रणाम। जय श्री कृष्ण।
वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषितान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिये श्री हरि भगवान की। श्री द्वारकाधीश की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। 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 राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। No।
नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः बोलिए सच्चिदानन्द भगवान् की जय श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पर हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है उसका यह छठा सत्र। अब की बार भी हमारे आदरणीय प्रिय दादाजी ने मुख्य मनोरथी के रूप में सेवा ली है और बाकी आप सब लोग जो दैनिक यजमानों के रूप ये सब व्यवस्था तो इसलिए है कि है तो सब हरि का ही लेकिन ये एक अवसर मिल जाता है कि उस समय हम श्री हरि की सेवा में अपना कुछ द्रव्य अपना कुछ धन समर्पित करते हैं ताकि श्री हरि की प्रेरणा से श्री हरि की सन्निधि में जो सब कार्य चल रहा है उसमें हमारी आहुति पड़ जाए। हमारे पास जो है वो पत्नी का ही है ऑब्वियसली भले ही पति के नाम पर हो लेकिन पत्नी का उसके ऊपर अधिकार है लेकिन पत्नी का ही होते हुए भी पत्नी के बर्थडे पर कोई अच्छी गिफ्ट करे तो उसको आनंद आता है वो प्रसन्न रहती। बेटे का ही है लेकिन बेटे के बर्थडे पर बेटे को जब कोई गिफ्ट करता है बाप तो खुश हो जाता है और उसी तरह बाप का ही है और बाप का ही दिया हुआ है सब संतान को लेकिन वही संतान आज पिताजी की और माताजी की 50वीं सालगिरह है उनके विवाह जीवन की हम उनको एक कार लेकर के देते हैं बढ़िया वाली। तो एक अवसर वो मिल जाता है कि हम कुछ गिफ्ट कर सकें हम कुछ प्रेम के प्रतीक के रूप में उन्हीं का दिया हुआ जो है वो उनको माँ बाप को देते हैं पत्नी के द्वारा पति को मिलता है पति के द्वारा पत्नी को मिलती है कभी वो एकदम बढ़िया वाली घड़ी ला करके देती है ये बढ़िया वाला टेलीफोन ला करके देता है तो ये सब है तो उन्हीं का लेकिन फिर भी आई लव यू कहने का ये एक तरीका है तो सब प्रभु का ही है प्रभु की सेवा में लगाने का यह एक अवसर होता है। और मुझे इस बात का बहुत गौरव भी है प्रसन्नता भी है कि हमारे श्री हरि के सभी भक्त बिना किसी नाम वाम के ठीक है यहाँ से लिया जाता है पुकारा जाता है लेकिन अपनी अपने हिसाब से अपनी सेवा और लगातार ये सब यज्ञ चलता रहे क्योंकि हम सब मिल करके यह यज्ञ कर रहे हैं। तो इस छोटी सी नोट के साथ आओ भगवान के सहस्र नामों पर जो चिंतन कर रहे हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं यात्रा को आगे बढ़ाएं। एक बार पूरा श्लोक पाठ कर लेते हैं। उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर् विशोकशोकनाशनः शोकनाशनः
किसको शोक अच्छा लगता है, लेकिन उस शोक से बचना, उस शोक से मुक्त होना, भगवान जो स्वयं विशोक है वही कर सकते हैं, जिसमें परिपूर्ण आनंद सब समय में विद्यमान रहता है। आनंद प्राचुर्यात, वो जो आनंद घन भगवान है, भाई आपको ठंडी लग रही है तो आपको अग्नि के पास जाना पड़ेगा, सूरज की धूप में बैठना पड़ेगा, जिसके पास वो ऊर्जा है, वो ताप है, वो आपकी ठंडी को मिटाता है। उसी प्रकार बहुत गर्मी पड़ रही है तो हिमालय के पास जाओ। उसी प्रकार जो विशोक है उससे जुड़ जाओ और शोक का नाश। सूरज उगते ही जैसे अंधकार का नाश हो जाता है, वो परमात्मा तो भीतर बैठा ही है लेकिन हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जैसे ही हम कनेक्ट हो गए और शोक का नाश, इसका मतलब है शोक भूत से संबंधित होता है, ये कथाओं में भी हम लोग चर्चा करते हैं। क्या यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। तो शोक भूत से संबंधित है, मोह वर्तमान से संबंधित है और भय भविष्य का। देखो ये भगवान के नाम है ना, उसमें भी ये तीनों मिटाने वाले भगवान हैं, ये बात हम देखेंगे और देख रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान और भगवान की कथा भिन्न नहीं है। भगवतः अयम, इसलिए भागवत। तो शोक भूत से संबंधित है, भूत में यानी भूतकाल में, पास्ट में जो कुछ हो गया, जब हम उसी का चिंतन करते रहते हैं, उसी के साथ कनेक्ट रहते हैं, हमारा मन उसी में लगा रहता है तो शोक से भर जाते हैं। समझदार कौन है? बोले जो गतम न शोचामी, बीत गई सो बात गई। हम वो कहते हैं ना कि किसी ने अपमान किया तो आदमी दुखी हुआ, तो उसने तो एक बार अपमान किया था, वो घटना तो एक बार घट गई, लेकिन फिर उस घटना का बार बार चिंतन करते हुए हमारा मन उसी में लगा रहता है और न जाने हम अपने मन ही मन में कितनी बार अपमानित होते हैं। तो ये हम चर्चा करते ही हैं कि कोई अपमान कर सकता है, अपमानित नहीं कर सकता, अपमानित हम होते हैं। अपमानित हम तब होते हैं जब उसके द्वारा किए हुए अपमान में कहीं ना कहीं हमारी मोहर लग गई, नेगेटिव और पॉजिटिव मोहर तो लगती है। तो यहां नकारात्मक रूप से हम उससे जुड़ गए और इसलिए बार बार उस घटना का चिंतन, और हम न जाने कितनी बार अपमानित होते हैं, रिपीटेशन होता है। उसने दी हुई गाली, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा कह दिया, रिपीटेडली हम उसी का चिंतन करते 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 अपमानित फील करते हैं, अनुभव करते हैं और दुख से भर जाते हैं, शोक से भर जाते हैं। गाली भगवान को नहीं पड़ी क्या? भागवत की कथा को आप पढ़ो, असुरों के साथ, वैसे अप्रतिरथ आगे नाम आएगा, लेकिन भगवान अप्रतिरथ जिसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन एक दृष्टि से देखो तो भगवान का भी विरोध करने वाले, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से लेकर रावण कुंभकर्ण से लेकर के शिशुपाल ने जिसने गालियां सुनाई इतनी श्री कृष्ण को, इन सब कथाओं को हम भागवत में देखते हैं तो वो लोग क्या क्या बोलते हैं युद्ध में भगवान को, वो श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो
शायद नीत्से का एक वाक्य है, मैंने कहीं पढ़ लिया था, मैं यदि भूलता नहीं हूं तो नीत्से का ही है, कि मैं ऐसा गॉड, ऐसा भगवान पसंद नहीं करता या तो स्वीकार नहीं कर सकता जो केवल अपनी प्रशंसा स्तुति ही सुनने का आदि हो गया हो, अपनी आलोचना न सुन सके। ऐसा ईश्वर तो नीत्से का वो वाक्य पढ़ करके मुझे याद आया कि अरे भाई मिस्टर नीत्से, देखो हमारे इन पुराणों को, हमारे ग्रंथों को पढ़ो, इसमें तो भगवान की भी आलोचना और भगवान की भी टीका, भगवान को गाली, ये है। शिशुपाल ने इतनी गालियां दी, तो अपमान तो भगवान का भी न जाने कितनी बार हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि वो अपमानित नहीं हुए। विशो कहा, निंदा स्तुति सब में एक समान। इसलिए मैं वो स्तुति प्रियो विष्णु हूं, भगवान स्तव्य है, तो इसका भाव मुझे जो लगता है वो, और आप लोगों से शेयर भी किया है, कि अपनी स्तुति सुनना पसंद करते हैं, स्तुति प्रिय है विष्णु, ये मतलब नहीं। स्तुति प्रियो विष्णु हूं मतलब विष्णुमय है जगत, और जहां जो स्तुत्य लगे, खुल के जब उसकी स्तुति किया जाता, यथार्थ स्तुति का मतलब है यथार्थ गुणों का गायन, न हो ऐसी बातों को भी बताना अगले के विषय में, वो तो चापलूसी है। चापलूसी में और स्तुति में अंतर है। तो चापलूसी तो स्वार्थवश होती है, आपका कोई ना कोई स्वार्थ है या तो भय है, लेकिन स्तुति में तो यथार्थ गुणों का गायन होता है। और जब स्तुति करने योग्य कोई व्यक्ति हो, स्तुति करने योग्य उसकी कोई प्रवृत्ति हो, और तब आप स्तुति करने से चूक जाओ तो वैष्णव नहीं हो। स्तुति प्रियो विष्णु, जो विष्णु की आराधना करता है तो वो स्तुति करने योग्य की स्तुति भी करता है, वो चापलूसी नहीं है, तो वहां शब्द नहीं चुराता खुल के। हाँ, सब लोग नहीं कर पाते, कोई कोई मौन प्यार करते हैं, ये भी है, लेकिन यथासंभव जहां स्तुति करने योग्य बात हो तो वहां दिल खोल के स्नेहपूर्वक, स्तुति स्नेहवश होती है, तो स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक उसका बखान करना, यानी उन गुणों की सराहना करना, कि कोई उदारता पूर्वक दे रहा है तो उसकी उदारता का बखान, और जो सज्जन है वो अपनी स्तुति सुनकर संकोच का अनुभव करता है, ये भी है, कहेगा अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, साधारणतया लोग बोलते ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, ये सरलता, ये दीनता, ये उसकी शोभा है। लेकिन स्तुति करने योग्य जो है उसकी स्तुति करना, उसमें आपकी वैष्णवता है, मैं कहूंगा, क्योंकि स्तुति प्रियो विष्णु। तो स्वयं राम ने भी स्तुति नहीं करी क्या? राम की स्तुति तो सब करते हैं, लेकिन स्वयं राम ने स्तुति करी शबरी की, इसलिए हम चर्चा करते हैं ना कि वो नवदा भक्ति की बात लगता है कि राम ने उपदेश किया, उपदेश नहीं है, शबरी के अंदर रहे हुए नवो प्रकार की भक्ति की सराहना है, कि नव में से एक प्रकार की भक्ति भी जिसमें होती है शबरी, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, तो तेरी क्या बात कहूं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तुझमें तो वो नवो प्रकार की भक्ति विद्यमान है। तो राम एकदम प्रसन्न हो गए हैं, और शबरी के यथार्थ गुणों का, अब ये भी
कि नवों प्रकार की भक्ति शबरी किस प्रकार करती होगी, किस तरह से है, वो फिर स्वाध्याय का विषय है। देखना कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, राम आए और आत्मनिवेदन तक की जो बात है शबरी की, और शबरी शरणागत है, समर्पित हो चुकी, और नवो प्रकार किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं शबरी में, ये फिर स्वाध्याय का विषय है श्याम भाई, क्योंकि राम जी ने तो कहा, राम जी को तो दिखाई दिया। वो बीज के चंद्रमा का दर्शन करने की हमारे यहाँ बड़ी महिमा है। तो अभी हम महाराष्ट्र के वहाँ यहाँ थे ना, तो महाराष्ट्र फाल्गुन शुक्ल द्वितीया का फिर चंद्रमा तो निकलता है, तो प्रतिपदा द्वितीया और तृतीया तीन दिन का गोपाल जयंती महोत्सव होता है, तो द्वितीया के चंद्रमा का महाराष्ट्र प्राय दर्शन करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि द्वितीया का चंद्रमा तो एकदम छोटा सा, तो जब जाते हैं साथ में तो ये रहा चंद्रमा, दर्शन करो कहाँ है, अरे ये ठीक उस पेड़ के ऊपर वाले भाग में देखो, देखो वहां से चंद्रमा निकल आया। तो अपने ट्राई करते हैं देखने की, क्योंकि उन्होंने देखा है तो वो कहते हैं कि यहां देखो, यहां देखो, ठीक उस पेड़ के ऊपर देखो, तो फिर हाँ अब दिखाई दिया और प्रणाम करते हैं। या तो कभी कभी कहते हैं चलो नहीं दिखाई दिया, चलो हमको दिखाई दिया, अब हमको प्रणाम कर लो, हो जाएगा। तो उसी तरह राम जी को दिखाई दिया नवो प्रकार शबरी में, और हम कहते हैं कहाँ है, तो फिर जरा देखना पड़ेगा। जैसे राम जी कहते हैं, मतलब रामायण जो कहती उसके आधार पर और अन्यान्य कथाओं का आश्रय करते हुए हमें देखना पड़ेगा कि अरे हाँ ये रही श्रवण भक्ति शबरी की, ये रही कीर्तन भक्ति, ये रही पाद सेवनम इत्यादि इत्यादि। तो सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे जब राम जी ने कहा है, तो रामचरितमानस का आश्रय लेकर के भी या अन्य अन्य ग्रंथों का भी आश्रय लेकर के शबरी में वो नवो प्रकार कहाँ पर और किस प्रकार से है, ये स्वाध्याय का विषय है। देखो स्वाध्याय करते करते स्वाध्याय के अन्य विषय हमको मिल जाते हैं, ये मजा है स्वाध्याय का। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो वो भगवान राम ने शबरी का स्तवन किया है, जो स्तुति करने योग्य गुण है उसका स्तवन किया है प्रभु ने। तो स्तुति प्रियो विष्णु, भगवान स्वयं भी स्तुति करते हैं, और स्तुति करने योग्य की कोई स्तुति करता है तो ये देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, और स्वयं निंदा और स्तुति दोनों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन भक्त के भाव को देख करके भगवान उसके प्रेम को देख करके ऐसे पसीजते हैं कि उसके अधीन हो जाते हैं। बाकी तुतुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, तो अप्रतिरथ है वैसे, आगे चर्चा करेंगे उस नाम पर, लेकिन उनका भी विरोध करने वाले, उनको गालियां सुनाने वाले तो लोग हैं, और मजे की बात कि वो गालियां सुनते हुए भगवान ने भी जवाब तो दिया है पुराणों में, जहां जहां युद्ध की कथा है जवाब दिया, लेकिन कितनी शालीनता से जवाब दिया है, नहीं हर जगह वीर बातें नहीं करते, वीर करके दिखाते हैं आदि आदि, अब तेरी मृत्यु समीप है वगैरह वगैरह, जो भी डायलॉग जो भी संवाद इस नाट्य मंच पर, संसार के नाट्य मंच पर, लीला मंच पर बोलने होते हैं, वो भगवान बोलते भी हैं, वो लीला करते भी हैं, लेकिन स्वयं विशो कहा, इसलिए इतनी गाली दिया शिशुपाल ने, तो शिशुपाल क्रोधित है, उसमें विकार आया, उसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, इसलिए सब बकने लगा, लेकिन श्री कृष्ण में कुछ भी नहीं,
वही मुस्कान, और शिशुपाल का मस्तक काटा, शिशुपाल का उद्धार किया, तो शिशुपाल का तेज भगवान में मिल गया। एम्ब्रेस ही किया कि चलो इस प्रकार से भज करके आ गए मेरे पास, आओ वेलकम, और उसका तेज भगवान के तेज में विलीन हो गया। कितनी बड़ी बात है, ये भगवान का कैसा अनुग्रह है। तो हमारा भगवान केवल गाली सुनता नहीं, निंदा सुनता नहीं, आलोचना सुनता नहीं, ये सुनने के बाद भी प्यार करता रहता है और अगले का उद्धार करता है। तो नीचे का जो वाक्य है कि मैं आई डोंट लाइक दैट गॉड, कि जो केवल अपनी स्तुति ही सुनने का आदि हो गया। मुझे कई बातें इस प्रकार से मैं पढ़ता हूं तो तब हमारा जो ये आध्यात्मिक, हमारा जो धार्मिक वांग्मय है सनातन धर्म का, वो देख करके लगता है कि वाह। तो हमारा कन्हैया तो ऐसा नहीं है भाई, हमारा कन्हैया तो गाली भी सुन, अरे और शिशुपाल की कौन कहे, जूनागढ़ के नरसिंह की भी गाली सुनता है। उनके कहलाने, चलो शिशुपाल तो विरोधी था, लेकिन उनके कहलाने वाले भक्त नारद, और बात बिगड़ गई विश्व मोहिनी वाले प्रकरण में, तो गालियां दी, आलोचना करी। तो चाहे अपने हो चाहे पराए, भगवान का तो पराया कौन होता है, लेकिन जो प्रतिपक्ष में अपने आप को मानते हैं, विरोध करते हैं, भगवान तो सबकी सुन लेते हैं, और फिर भी विशो कहा। और ऐसे परमात्मा ही शोक नाशनः, शोक का नाश करने वाले। और स्मृति मात्र से, इसमें लिखा है शोक नाशन, स्मृति मात्र से भक्तों के शोक का समूह, एकाद्दो नहीं, शोक के समूह का नाश करने वाले भगवान शोक नाशन। हमारे आचार्य जी मेरे लिए कुछ नोट्स तैयार करके रखते हैं तो स्वाध्याय में थोड़ी सहायता मिल जाती है। तो कहते हैं शोक मतलब क्या, बोले इष्ट वियोग जाते दुखानुगुणे चित्तवृत्ति भेदे शोकः, ऐसा अमरकोश में। इष्ट वियोग जाते, जिसको हम पसंद करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, ऐसे हमारे इष्ट के वियोग से जो उत्पन्न हुआ, ये भी शोक एक प्रकार का शोक है। तो उस दुख से, इष्ट के वियोग के दुख से उत्पन्न एक प्रकार की चित्त वृत्ति शोक। वैसे शोक की ये सब व्याख्या तो हम करते हैं क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने करी है, बाकी शोक क्या है सब जानते ही हैं। ये अनुभव का तो विषय यही है, कभी न कभी कहीं न कहीं किसी बात पर शोक का अनुभव तो हमने किया ही है। चित्त विकलता, इष्ट वियोगानुचिंतनम, नागोजी भट्ट कहते हैं चित्त की विकलता, इष्ट के प्रिय के वियोग के चलते दुखी होकर के पुनः उस प्रिय के इष्ट की प्राप्ति का या तो मिलन का बारंबार चिंतन करना, इष्ट वियोगानुचिंतनम इति नागोजी भट्ट। अच्छा, फिर और शोक क्या है, तो भाव प्रकाश में लिखा है बंधवादि वियोग जनिता मन पीड़ा, अपने बंधु बांधव, बेटा गया अमेरिका पढ़ने और मां दुखी हो रही है, आंसू बह रही है, अमेरिका दूर की बात है,
सांदीपनी में जिनके बेटे बैठते हैं वो माताएं भी शुरू शुरू में जब दो तीन महीना फ़ोन करती है तो ये अपने घर में रोती है, बालक यहाँ रोता है, फिर ढीला हो जाता है। वैसे बालक के आसपास तो दूसरे सब है, गुरुजी हैं, दूसरे विद्यार्थी है, तो वो थोड़ा अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जिसके निस दिन बरसत नैन हमारे, बारह महीना सावन भादो मास रहता है, तो बारह महीना तो नहीं लेकिन तीन महीना तो कम से कम रहता है कई विद्यार्थियों का, तो ये तो भेंकड़ा दाण है, खाई दे सर फोन में, तो मम्मी बदरे ढीली थी जाए, पी धनी नहीं वहाँ लागे, चालो चालो एने नहीं फावे, एने बोलावी लीए। शोक बंधवादि वियोग जनिता मन पीड़ा। अरे कुछ समय के लिए ही विदेश की यात्रा कर रहा और पति और पत्नी की आंखों में आंसू, अभी तो वहां पहुंचे नहीं, एक दो दिन हुए नहीं, अब कब वापस आओगे? इष्ट वियोगानुचिंतनम बंधवादि वियोग जनिता मन पीड़ा। तो ये सब शोक के अंतर्गत है। अच्छा, अर्जुन भी शोकग्रस्त हो गए गीता में, वो मोह जनित शोक था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐ अशोच्यानन्व शोचस्त्व, शोक करने योग्य जो नहीं है उसका तो शोक कर रहा। और प्रज्ञावादांश्च भाष से पंडितों जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पंडित लोग जो है वो जो गया हुआ है या जो जाने वाला है उसका शोक नहीं करते। न अनुशोचन्ति पंडिताः, बार बार अर्जुन के शोक को मिटाने की चेष्टा करते हैं गीता में। तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि, या तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्वं शोचितुमर्हति, या तो अंत में भी कहते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये जो शोकनाशनः, ऐसे हमारे भगवान हैं, वो किस प्रकार अपने भक्त, अरे बच्चा रोने लगता है तो तुरंत माँ अरे मेरे लाल दौड़ करके आती है, आंसू उसके पहुँचती, क्या हुआ? नहीं रोते मेरे बच्चे, नहीं रोते, है ना? और उसी तरह अपने जो प्रिय है और उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ हो, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? तुरंत उसके शोक को देख करके, व्याकुल हो करके उसके शोक को मिटाने के लिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, तुरंत हम उसके पास खड़े हो जाते हैं। जब ऐसा होता है ना, तो वो शोक नाशन जो भीतर बैठा है उसके चलते, जो स्वयं विशोक है और शोक का नाश करने वाला है, वो भीतर बैठा है, तो वो अंतर्यामी जो भीतर बैठा है, जो शोक नाश करने वाला है, वो कहीं ना कहीं प्रकट होकर के सक्रिय हो जाता है। और अगले को दुखी करने वाली जब प्रवृत्ति होती है, तो भीतर वाला डेमन, मनवा तू रावण तू राम, तो वो भीतर से जब जागृत हो जाता है, तब किसी को रुलाने की हम प्रवृत्ति करने में लग जाते हैं, किसी को दुखी करने की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक प्रकार से अपने भक्तों और अपने शरणागतों के शोक का नाश किया है, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो शोक नाशनः, इस नाम का मंत्र बनाएं, और नाम मंत्र है
ओम शोकनाशनाय नमः, ओम शोकनाशनाय नमः, ओम शोकनाशनाय नमः। एक दर्भचारी ऋषि थे, उन्होंने इस नाम मंत्र का जपानुष्ठान किया और इस मंत्र से, इस अनुष्ठान से उसको सिद्धि प्राप्त हुई। और वो सिद्धि क्या है? शोक मुक्ति। यजुर्वेद में यह संकेतित है, इसमें इसका संकेत मिलेगा। 40वां अध्याय सातवां मंत्र यजुर्वेद में है। कह मोह कह शोक वाला मंत्र जो, हाँ, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः, यजुर्वेद में ये। तो शोक नाशना सही, हाँ, थोड़े थोड़े मंत्र तो सीधे ही याद है तो तुरंत याद आ जाते। तो यदि किसी शोक से हम ग्रस्त हो गए हों तो ये वाला नाम मंत्र जपना चाहिए, इसका अनुष्ठान करना चाहिए, तो शोक से मुक्ति। आओ आगे वाली यात्रा करते हैं। अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो, अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो, विशुद्धात्मा विशोधनः, विशुद्धात्मा विशोधनः, अनिरुद्धो प्रतिरथः, अनिरुद्धो प्रतिरथः, प्रद्युम्नो मितविक्रमः, प्रद्युम्नो मितविक्रमः। अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धः अप्रतिरथः प्रद्युम्नः अमितविक्रमः। कितने नाम हो गए इस श्लोक में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस श्लोक में 9 नामों पर, 9 नाम को मिलाकर एक जो नामगुच्छ बनाया है, जैसे पुष्पगुच्छ कह सकते हैं, तो नामगुच्छ इस श्लोक में। अर्चिष्मान् चंद्र सूर्य आदि समस्त ज्योतियों को दे दीप्यमान करने वाली अतिशय प्रकाशमय अनंत किरणों से युक्त वो अर्चिष्मान्, अर्चिंषि समीचीनाति संति अस्य। अर्चिरिति पूजायाः दीप्ते हे वा नाम तेन पूजावान यानी पूजार्ह दीप्तिमान इति। एक अर्थ होता है अर्ची, जैसे अर्चना करते हैं हम, अर्चा पूजा, और दीप्ति प्रकाश। तो एक भाव यह है कि अर्चिष्मान प्रकाशवान वो तो है ही, है सीधा साधा अर्थ, लेकिन अर्चिष्मान का एक अर्थ जो पूजार्ह है, पूजार्ह वरिशोधन ऐसा आता है ना, पूजा के योग्य है, और कुछ भी पूजनीय भजनीय नहीं है। परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ही पूज्य है। तो अर्चा विग्रह जो है, कई प्रकार के विग्रहों की बात है, हम लोगों ने शायद इसके पहले चर्चा करी थी कि नहीं वो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार तो किया था कि पंचरात्र के अनुसार परमात्मा के 5 स्वरूप कहे गए। एक है परस्वरूप, दूसरा विभव, पर
विभव, तीसरा व्यूह, चौथा अंतर्यामी और पांचवा अर्चा स्वरूप। ये पांच स्वरूप पंचरात्र के अनुसार शास्त्रों में बताए गए हैं। अब आप लोगों की शायद रुचि न बने, लेकिन फिर भी थोड़ा सुन लो, क्योंकि इस प्रकार के स्वाध्याय में ही ये सब अवसर मिलता है। कई बातें होती है जो वहां फिर नहीं बिकती कथा में, क्योंकि उसके कोई ग्राहक नहीं होते। तो इसलिए यहां पर आप लोगों को दिखाने की, बताने की चेष्टा करते हैं। लो ना लो देखो तो सही, मैडम कहते हैं ना वो साड़ी वाले तो मैडम बाद में यदि आप चाहे नहीं, ये देखिए तो सही। तो जिस तरह से वो साड़ी दिखाता ही रहता है, बस उसी तरह। तो परमात्मा के पांच स्वरूप, उसमें परस्वरूप वो है पर सबसे श्रेष्ठ, और वो परम धाम में नित्य विराजमान, निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न, उसकी तो क्या अर्चा करोगे, ध्यान होता है सत्यम परम धीमहि परस्वरूप। वो सत्य है और उस परम सत्य के ध्यान से व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया परस्वरूप। दूसरा है व्यूह स्वरूप, व्यूहचार है, चतुर्व्यूह कहते हैं हम। तो वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, ये चतुर्व्यूह है। नारद जी ने जो अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाया है भागवत में, उसमें कहते हैं कि मुझे संतों की सेवा करते करते संतों से जो मंत्र मिला उसमें ये चतुर्व्यूह की बात है। और धीम ही शब्द है, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाया निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण, ये सब नाम आएंगे विष्णु सहस्र नाम में भी, आगे आगे देखेंगे। प्रद्युम्न अनिरुद्ध तो अभी आएंगे, प्रद्युम्नोमित विक्रम अनिरुद्ध। तो वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण, ये अंतःकरण चतुष्टय के अधिष्ठाता भी माने गए, मन के अधिष्ठाता। मन का संबंध है अनिरुद्ध से, प्रद्युम्न जी का बुद्धि से, संकर्षण का अहंकार से, और चित्त का संबंध वासुदेव से। तो चतुर्व्यूह, और इन रूपों में वो उत्पत्ति स्थिति पालन इत्यादि की लीला चलती रहती है। तो पर स्वरूप, व्यूह स्वरूप, तीसरा विभव, भवति प्रभवति न भवति किम भवति रसकारः, वो जो कहते हैं ना। तो विभव वो बनते हैं, प्रकट करते हैं अवतार। तो भगवान के जो अवतार है वो तीसरा स्वरूप है। तो नरसिंह भगवान है, कुर्म भगवान है, वराह भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, आदि आदि विभिन्न अवतार। तो इसमें आगे चल करके हम ये भी कह सकते हैं ना, और कहते हैं हम कथा में कि ये जगत भी एक रूप में भगवान का ही प्रागट्य है। इस रूप में उस अव्यक्त की ही अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार हमारी अव्यक्त चैतन्य आत्मा
उसने इस शरीर के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया, प्रकट किया। उसी प्रकार उस परमात्मा ने भी अनंत अनंत ब्रह्मांडों के रूप में अपने आप को प्रकट किया। तो वह चैतन्य आत्मा ही अपने आसपास एक शरीर, कवच, जाला, जो भी कहो, बुन लेती है। इसलिए मकड़ी करोड़ियों, उसका हमारे यहाँ बड़ा महत्व है, दृष्टांत में उसका बहुत उपयोग किया गया। और दत्त भगवान के 24 गुरुओं में तो एक वो है कि जो अपनी ही लार से जाला बनाती है, अपने ही अंदर फिर समेट लेती है। तो विभव और तदनुसार यह जो, इसलिए एक नाम भव है संसार, तो ये जगत भी भगवान का ही अवतार है, इस रूप में परमात्मा ही है। ये हम लोगों की मान्यता, ये हम लोगों का भाव है, ये हम लोगों के शास्त्रों का कथन है, केवल मान्यता नहीं, शास्त्रों का कथन है। तो विभव ये तीसरा स्वरूप है। अच्छा, चौथा स्वरूप है अंतर्यामी, बैठा है भीतर, सब प्राणियों के भीतर बैठा है। और पांचवा है अर्चा स्वरूप। तो भाई वो इतना ज्यादा अवेलेबल है अर्चा स्वरूप। अवतार तो अपने अवतार लीला को पूर्ण करके फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, पर तक तो कोई कोई ही पहुंचता है। और वो जो व्यूह है चतुर्व्यूह, वो भी सबके शायद पकड़ के सामर्थ्य की बात नहीं है। अंतर्यामी भीतर है, तथापि उससे जुड़ना प्रायः नहीं हो पाता। तो प्यासी रह जाती है जल में मीन, मुझे सुन सुन क्या है आवत हांसी कि जल में मीन पियासी। वह सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा, वह विशोक भीतर बैठा है, फिर भी शोक से ग्रस्त हैं हम, फिर भी हम दुखी है। लेकिन अर्चा स्वरूप जो है वो सामने है, पूजा करो, दर्शन करो, लाड लड़ाओ। और अवतार वाला, विभव वाला जो स्वरूप है, वो तो अवतार लीला कार्य पूर्ण करके फिर तिरोधान हो जाते हैं। कभी कभी देवर्षि नारद को दर्शन दिए हृदय में और फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर ये रोते रहे। लेकिन मीरा के सामने तो उसके गिरधर गोपाल है ही है। हमारे ठाकुर जी हमारे साथ है, ये हमारी कई माताएं वो श्रीकांता अभी नहीं आई है ना, लाला को साथ लेकर के, इतनी धूप हो, ठंडी हो, ठंडी हो तो बस एक वो ओढ़ा देगी, स्वेटर पहना देगी, धूप में भी आसपास फूल रख करके, लेकिन जहां वो जाती है उसका लाला जाता है। एक बार तो क्या हुआ था, कुछ कौन उसी की बात है, कोई और भूल गई ट्रेन में लाला खो गए, और इतनी व्याकुल, इतनी परेशान, बोलो छोकरो खोवाई जाए मानू घनी बार ट्रेन में। ये अर्चा स्वरूप जो है वो हमारे पास है, हमारे साथ है। अनीशा हमारे अधीन है, सबका स्वामी होते हुए भी अपना स्वामित्व वहां पर वो बिल्कुल भूल जाता है, विस्मृत कर देता है। और जब भक्त उठावे तब उठता है, भक्त खिलावे तब खाता है, भक्त जो पहनावे सोई पहनता है, वही माला, वो तुलसी वाली माला हो, फूल वाली माला हो, उसके साथ साथ उसके बाल भी आ गए हों ऐसा होता है कि वैसे ध्यान रखना चाहिए
ફૂલ ગૂંથવાના હોય છે, આપણા વાળ નહીં. આપણા વાળ ગૂંથીને ચોટલો વાળી દઈએ બરાબર, પણ માળામાં ગૂંથવાની જરૂર નહીં. ભોજન મેં ભી યદિ બાલ નિકલ આતા હૈ કિસી ખાને કી ચીજ મેં તો ઉસ ભોજન કા ત્યાગ કરના પડતા હૈ કાયદે સે. લેકિન ભક્તાધીન ભગવાન અનીશ, તો અર્ચા સ્વરૂપ મેં જબ આપકે પાસ હૈ, આપકે સાથ હૈ, બિલકુલ આપકે, જૈસે ભક્ત ભગવાન કે અધીન હોતા હૈ, યા ભગવાન અહમ ભક્ત પરાધીન કહેતે હુએ. કે કલ ક્યું સોએ નહીં, થકે હુએ સે હૈ, બોલે મુજે સોને નહીં દિયા, 12 બજે તક તો યે રાસલીલા મેં થી, યા તો ડાંડિયા મેં થી, યા તો ભજન મેં થી, જો ભી. અને તો વૈષ્ણવ ક્યાં કહેતા, આજ ભગવાન કો બડા પરિશ્રમ હુઆ, યે ભી હૈ, થોડા દેર તક જગાએ તો ભક્ત કો થોડા દુઃખ ભી હોતા હૈ કે આજ હમારે ઠાકોરજી કો પરિશ્રમ હુઆ. તો વો જો અર્ચા સ્વરૂપ હૈ, યે પાંચવા. ઇસ પ્રકાર પંચરાત્ર મેં પરમાત્મા કે યે પાંચ સ્વરૂપ હૈ, ઓર ઉસકી વિભિન્ન પ્રકાર સે ઉપાસના કા વિધાન હૈ. તો અર્ચિષ્માન પ્રકાશમય તો હૈ યે, ઓર યે વો વાલા પ્રકાશ હૈ, ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્ર તારકમ હેમા વિદ્યુતો ભાંતિ કુતો યમગ્નિઃ. યે પ્રકાશ સૂર્ય કા નહીં હૈ, વો ચંદ્રમા કા નહીં હૈ, વો અગ્નિ કા નહીં હૈ, લેકિન વો સબ જિનસે પ્રકાશિત હૈ, એસા જો પ્રકાશ હૈ, યદાદિત્યગતમ તેજો જગત ભાસયતે ખિલમ યચ્ચંદ્રમસી યચ્ચાગ્નૌ યચ્ચંદ્રમ યચ્ચંદ્રમસી યચ્ચ અગ્નૌ. ઉસ તેજ કો તુ મેરા સમજ, તત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ. તો જ્યોતિષ્માન અર્ચિષ્માન જ્યોતિષામ રવિરંશુમાન, જ્યોતિઓ મેં જો કિરણો વાલા સૂર્ય હૈ, તો અર્ચિ કિરણ, ઓર જો અર્ચા કે યોગ્ય હૈ, પૂજા કે યોગ્ય હૈ, યા જો પ્રકાશમય હૈ, દિવ્યતેતિ દેવા. તો જો અર્ચા મૂર્તિયાં હૈ, ઉસમેં એક જો દિવ્ય દીપ્તિ હૈ, ઉસ રૂપ મેં પરમાત્મા ઉસમેં હૈ, અર્ચા વિગ્રહ. ઓર સચ મેં શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ સે પૂરી મર્યાદા સે જિસ અર્ચા વિગ્રહ મેં કઈ વર્ષો સે અર્ચા હો રહી હૈ, ઉસ અર્ચા વિગ્રહ કા તેજ દેખિયેગા, ઉસ મૂર્તિ કા તેજ દેખિયેગા. જિતના શ્રદ્ધા સે, જિતના ભાવના સે, જિતના સાતત્ય કે સાથ, ઓર શાસ્ત્રીય મર્યાદા કે સાથ, શાસ્ત્રીય વિધિ કે સાથ અર્ચા કરતે રહોગે, ઓર કરતે 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 જો તેજ પ્રગટ હોતા હૈ ઉસમે, ક્યો દ્વારકાધીશજી ખેંચતે હૈ, દેખા જાય તો વો તો વ્યાપક હૈ, હર કણ મેં હર ક્ષણ મેં. તો એ દ્વારકા ના હું કામ ધક્કા ખાઈએ વારંવાર, ક્યો બિહારીજી ખેંચતે હૈ, ક્યો બાલાજી બાર બાર બુલાતે હૈ, ક્યો બદ્રીનાથ તક ઉત્તરાખંડ મેં પહોંચતે હૈ. વો અર્ચા વિગ્રહ મેં જો દિવ્ય તેજ હૈ, તત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ, ઓર વો ખીંચતા હૈ. લોર્ડ વિષ્ણુ હેઝ અનલિમિટેડ બ્રાઇટનેસ, અર્ચિષ્માન brightness and kya kehte hain splendor. isliye wo archishman
तो गीता में भी जो भगवान ने वो विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो फिर दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपदुत्थिता, युगपत उत्थिता दिवि सूर्य सहस्रस्य, भाष्य संग्रह में से एक वो ये श्लोक अच्छा देखने लायक है। बाह्याभ्यंतर सद्भक्तश चक्षुरुन्नयन क्षमं दिव्यं तेजस सदा यस्य सोर्चिष्मान् इति कथ्यते। बाह्याभ्यंतर सद्भक्तश्च सद्भक्त चक्षुरुन्नयन क्षमं दिव्यं तेजः सदा यस्य। अर्चावतार में भगवान का वह प्रभाव गूढ़ रहता है, फिर भी उनमें इस प्रकार का दिव्य तेज प्रभा पूर्ण मात्रा में रहती है, उससे भागवत जीवों के बाह्य और आभ्यंतर नेत्र खुल जाए। बाह्य आभ्यंतर नेत्र खुल जाते हैं तो तब दर्शन होता है ना, बाकी तो बंद आंखों से तो ध्यान दर्शन, आंख हमारी उगड़े त्या नंदलाला देखो। तो इसमें नमहकार के लिए क्या, ओम अर्चिष्मते नमः, ऐसा हो जाएगा। भवानी रहस्य के अनुसार एक पर्वत वर्षमा ऋषि थे, इन ऋषियों का नाम शायद आप पहली बार ही सुनोगे, हम भी पढ़ रहे हैं पहली बार, मतलब पढ़े तो ऐसा लगा कि अरे पहली बार देखा। पर्वत वर्षमा ऋषि ने इस नाम मंत्र का जप किया और जपने से क्या हुआ, बोले वो ऋषि परम तेजस्वी हुए। जिनको तेजस्वी बनना है, द्युतिमान होना है, वे इस मंत्र का अनुष्ठान करें। ऋग्वेद में मंत्र संकेतित है 1:10:1 में, अर्चिष्मान अर्चितः कुंभो, अर्चिष्मान अर्चितः कुंभो, अर्चितः समस्त लोकों के पूज्य ब्रह्मादि, ब्रह्मादि देवता उनसे भी पूजे जाने वाले अर्चितः, जिनकी पूजा हुई है या जिनकी पूजा होती है अर्चित। ब्रह्मादिभिः अर्च्यते इति अर्चितः पूजितः, ब्रह्मादि देवताओं से पूजित। सर्व लोग जिसकी पूजा करते हैं, ब्रह्मादिभ्यो नमो नमः करते हुए जो उनकी पूजा होती है, हमारे यज्ञ इत्यादि में भी आवाहन होता है, पूजा होती है, इंद्रादि सभी देवताओं की पूजा होती है, अर्चा होती है, वो ब्रह्मादि इंद्रादि सब देवता जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे भगवान अर्चितः उन सब से पूजित। हम इंद्र का आवाहन करते हैं, हम यज्ञ में इंद्र की पूजा करते हैं, हम इंद्र के निमित्त यज्ञ में आहुति देते हैं, बलि देते हैं, भो भो इंद्र बलिम भक्ष, आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता कहते हुए उसकी अर्चा पूजा और स्तुति करते हैं, वो इंद्र जो बलि लेने की आदत वाले हो गए थे, पूजा लेने की आदत हो गई थी, सम्मान पाने का स्वभाव बन गया था जिनका,
तो फिर एक बार देखो, हम कहते हैं ना, नाम से भी वो कथा जोड़ करके देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की उस आदत को छुड़ाने के लिए, और इंद्र को जो गर्व हो गया था उसको भंग करने के लिए, इंद्र दमन है ना भगवान का एक नाम, तो गोवर्धन लीला करी भागवत में हम सुनते हैं, और इंद्र के यज्ञ का मख भंग कराया, वो बंद कराया, और फिर इंद्र को गुस्सा भी आया और उसने भयंकर वर्षा करी। तब भगवान ने श्री गिरिराज को धारण करके सांवर्तक नाम के मेघ गणों का पानी भी खाली हो गया, वो टंकी खाली हो गई। इंद्र का गर्व दूर हुआ और फिर इंद्र ने आकर के स्तुति करी। सुरभि गाय ने भगवान के ऊपर अभिषेक किया और गोविंद बने, और इंद्र के ऐरावत हाथी ने भी पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनियम समर्पयामि, और भगवान के ऊपर अभिषेक करके पय पृथिव्याम पय ओखदी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रतिशः संतु मह्यम पयस्नानम समर्पयामि पयस्नानान्ते ऐरावत आओ शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अपने त्याते हाथी यो वर्षे ने तो बघड़ाटी बोलावी दे, हमारे यहाँ चौमासे में वर्षा ऋतु में हस्त नक्षत्र, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हस्त नक्षत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो गांवों के लोग क्या कहते हैं, हाथी है हुट फिर भी अब हाथी जब वो सुंड में भर करके फिर पानी एक फवारे के साथ जो फोर्स से छोड़ता है, तो टिपू टिपू नौ वर्ष है के ना बारे मेघ खांगा थिया हाथी ओवर से। तो प्राय हमारे यहां ये माना जाता है कि वो हस्त नक्षत्र में तो बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है। तो मुझे लगता है वो गाय ने भी अभिषेक किया भगवान के ऊपर, पय पृथिव्याम पयो खदी कुपयो दिव्य अंतरिक्षे पयोदाह करके, और फिर हाथी ने भी पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि इस भाव से फिर शुद्धोदक स्नान कराया, तो उससे मानसी गंगा और इससे गोविंद कुंड बना। ये सारे स्थान वहाँ श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में हम देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो उस इंद्र ने भी फिर अपनी क्षमा मांगते हुए और भगवान की स्तुति करी, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, ऐसा मोह हो गया ब्रह्मा जी को, बछड़े चुरा लिए, तो भगवान ने संकल्प मात्र में उतने ही वैसे ही बछड़े और ग्वाल बाल जो चुरा के ले गए थे ब्रह्मा, भगवान ही बन गए। तो मैं ही, मेरे जैसा कोई बना नहीं सकता, मैं सृष्टि को बनाने वाला, मैं सृजक हूं, मेरी क्रिएटिविटी आह क्या कहना, मेरी जैसी क्रिएटिविटी किसी में नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो बिना किसी चीज के क्रिएट करके दिखाओ। केवल इच्छा मात्र से, और भगवान ने तो इच्छा मात्र से सृष्टि करी। वो कहते हैं ना, जब राम जी का और सीता जी का विवाह हो रहा था मिथिला में, और ऐसी मिथिला सजी थी और ब्रह्मा जी सब देवता आए थे, तो ब्रह्मा जी मुंजाएला मुंजाएला बैठा था विधि मां लग्ननी समारोह में उपस्थित थे,
तो किसी ने पूछा कि किम दादा मुंजा एला सुथियो कि नहीं हूँ आ सृष्टि नो करता खरो के नहीं कि हाँ बापा तमें तमें अमे बधाई तमारा बनावेला आ बधु तमारू बनावेलू केम भाई देवता ने कीधु के ये बधु बराबर छे पण अत्यारे अहींया मिथिला मां कई मारू बनावेलू दिखातु नथी ये तो बिल्कुल अलग ही सृष्टि है। तो जिस ब्रह्मा को अपने सृजनशीलता का अभिमान था, अपनी क्रिएटिविटी का अभिमान था, आई एम सो क्रिएटिव, आई एम सो इनोवेटिव, आई डोंट रिपीट, इतनी डिफरेंट एम भगवान ने ब्रह्मा जी के उस अहंकार को भी मिटा दिया। और फिर नव मीडियते ब्रह्मपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी अर्चिता कि मैं संकल्प से सृष्टि नहीं कर सकता, जबकि भगवान में यही सामर्थ्य कि संकल्प से भी भगवान सृष्टि करते हैं। सो अकामयत बहुस्याम प्रजायेय, वे हो गए तो ब्रह्मा जी भी भगवान का क्रिएशन है, भगवान के ही नाभि कमल से फिर ब्रह्मा हुए। विदेश में हम थे तो क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो एक छोटी सी बच्ची ने यूं हाथ उठाया, मतलब वो भी कुछ पूछना चाहती थी। हमने कहा कि पूछो बेटे, कहती है हु क्रिएटेड गॉड, वो क्रिएशन किसी का नहीं है, रिक्रिएशन है हम सब का। रिक्रिएशन कहते हैं हम सब के लिए, वो किसी का क्रिएशन नहीं है। रिक्रिएशन क्या कहते हैं वो शब्द को हिंदी में क्या कहेंगे हैं? नहीं, रिक्रिएशन सेंटर ऐसा कहीं, गूगल करो रिक्रिएशन शब्द का हिंदी में अर्थ ढूंढो। रिक्रिएशन क्लब है ना, तो फिर वो किसी का क्रिएशन नहीं है, वो हमारा रिक्रिएशन है, आनंद देने वाला है हम सबको अपनी लीला से, मन का रंजन, व्रज जन रंजन मनोरंजन। सबको आनंद देने वाले हैं। लो पूरी खबर न दी पर बात जम गई। तो वो क्रिएटेड गॉड, गॉड क्रिएटेड ऑल दिस यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, बट नन हैज क्रिएटेड गॉड, इज नॉट क्रिएशन ऑफ एनी वन बट इज रिक्रिएशन फॉर ऑल दी भक्त लोग, जीव सभी जीवों के लिए वही आनंद देने वाले, वही रंजन करने वाले, ब्रज जन रंजन
સેમાં ગાઈએ છીએ આપણે? યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન બ્રજ જન ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा कर लिया श्री कृष्ण के पिता का, तो वरुण लोक में जाकर के श्री कृष्ण अपने पिता को वापस लेकर आए। वरुण ने पूजा की परमात्मा की, अग्नि ने गायों को ग्वालों को जलाकर भस्म करने का प्रयत्न किया अग्निदेव ने, मुंजारण्य में पी लिए और कामदेव जब टकराया रासलीला में, तो काम को परास्त करके उसको अपना पुत्र बनाया। तो इस तरह से देवताओं के द्वारा भी जो अर्चित है, देवताओं में भी जब जब अभिमान हुआ, मोह हुआ, यानी आसुर भाव का प्रवेश हुआ देवों में, तब तब भगवान ने देवताओं को परास्त करके देवताओं में प्रविष्ट आसुर भाव को निवृत्त कर दिया। ये भी प्रभु की कृपा कि ऐसी गंदगी तुम में शोभा नहीं देती, देव हो, देव बने रहो। तो इस प्रकार भगवान ने अनुग्रह किया और उन सभी देवताओं ने भगवान का स्तवन किया। अवतार के लिए भी देवता स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब लीला संपन्न हो जाती है तो फिर आते हैं लेने, फिर प्रणाम करके प्रभु पधारो। ये दोनों कथा है। तो अर्चिता, इसलिए यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः
यस्यान्तं विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं विदुः सुरगणा तस्मै देवाय नमः। कहते हैं श्री कृष्ण स्वधाम पधारे, कहां से गए, किस तरह से गए, देवताओं को भी सब पता नहीं चला। यस्यान्तं विदुः सुरगणा, हाँ, तो ये स्वाध्याय का यही तो आनंद है। तो बोले किस मार्ग से गए भगवान स्वधाम पधारे, देवताओं को भी पता नहीं चला। स्वेन धामना निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, अपने प्रकाश के, दिव्य प्रकाश तेज के द्वारा। तो भाई इसलिए तिरोधान हो गए, लीला संवरण किया। कैसे कैसे सुंदर भक्ति मार्ग के ये सब शब्द प्रयोग है। जिसका भक्ति मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं, तो जी के मरी गया एनु मृत्यु थे ले। जिसका न जन्म है, जिसकी न मृत्यु है, वह आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, तो ये परमात्मा। और जीव तो अपना पांच भौतिक शरीर छोड़कर जाता है, जीवात्मा पांच भौतिक शरीर छोड़कर जाती है, जबकि परमात्मा का शरीर पांच भौतिक है ही नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो तिरोधान हो जाते। ये जो भगवान के भी पंच कर्म हैं, शास्त्रों में वर्णन है, उसमें कृपा करना ये भी और तिरोधान भी, तिरोधान हो जाते हैं फिर। उसकी भी शायद इन पांच कर्मों की चर्चा हमने करी है इसके। अब ऐसा हो जाता है कि वो दोनों स्वाध्याय के बीच में गैप इतना हो जाता है कि फिर क्या कहा था वो सब याद नहीं रहता। अच्छा, कुछ कुछ चर्चा रिपीट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ही है, स्वाध्याय ही है। स्वाध्याय में तो वही बार 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 उसी का चिंतन करना है, अभ्यास स्वाध्याय। तो तिरोहित हो गए, तो किस मार्ग से गए, बोले देवता भी नहीं समझ पाए। यस्यान्तं विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो देवताओं के द्वारा पूजित है, अनेकानेक भक्तों के द्वारा पूजित है, श्रीहरि के रूप में हमारे यहां श्रीहरि मंदिर में पूजित है, अर्चितः, अर्चिष्मान है वही अर्चित है। अर्चन के योग्य, पूजा के योग्य, उसी की पूजा होती है जो पूजा के योग्य है, जो अर्चिष्मान है। इसलिए हमने चर्चा करी थी ना कि नामों में भी कहीं कहीं वो कार्य कारण का संबंध मिलता है कि ऐसा है इसलिए ये नाम है, जो वो अर्चिष्मान है। अतः अर्चितः पूजितः देवादिभिः, भक्त जन भी पूजते हैं। नित्यं ब्रह्मा शिवः शेष गरुडेन्द्रादयो मराः पूजयन्ति महाभक्त्या वेंकटेशं श्रियासः। आदित्य पुराण, वेंकटेशं श्रियासः। नीचे मंदिर में, महालक्ष्मी के मंदिर में जाते हैं तो भी कितना आनंद आता है, वहाँ वहाँ वेंकटेश भगवान की पूजा हम करते हैं, वहां ऊपर भी है लेकिन महालक्ष्मी जो नीचे भी है। देवी मां के मंदिर में भी, महालक्ष्मी के मंदिर में भी एक क्या श्री, वहां ऐश्वर्य जो दिखाई देता है, ऐश्वर्या है। अंदर मंदिर में जाते ही पूरा वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप उसकी पकड़ में आ जाते हैं फिर।
आपको घेर लेते हैं वो वाइब्रेशंस डिवाइन। जैसे ही गाड़ी में यूं सर्पाकार रास्तों पे होते हुए आप वेंकटाचल पर भगवान वेंकटेश के सन्निधि में पहुंचते हैं, वहां पहुंचते ही आपके ऊपर वो असर, हरिद्वार ऋषिकेश से जैसे ही ऊपर गाड़ी सर्पाकार चलती है और आप उस तरह से बाय रोड, चाहे पैदल चाहे कार से व्हीकल से यात्रा करो और कुछ घंटों या कुछ दिनों में आप ऊपर पहुंचते हो, तो उस वातावरण में जो आप जिस प्रकार वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भी कहते हैं कि सीधे ही हेलीकॉप्टर से लैंड करने से अच्छा है कि बाय रोड पहुंचो, पैदल पहुंचो तब तो कहना ही क्या, लेकिन बाय रोड पहुंचो तो शरीर को एक्लिमेटाइज होने में सहायता मिलती है। तो आपके तन को एक्लिमेटाइज होना होता है, आपको मन, आपके मन को भी वो अवसर मिले, इसलिए हमारे यहाँ पैदल यात्रा की महिमा करी गई। तो फिर वहाँ के अणु परमाणु का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, ऐसे अभी भी कई महात्मा है जिन्होंने चारों धाम पैदल यात्रा करी हो, पूज्य महाराज ने भी बहुत पैदल यात्रा करी। एक बार कहाँ कथा थी अपनी, कुल्लू में, कुल्लू में कथा थी, कुल्लू महाराजा के द्वारा आयोजन था। तो फिर हम कहाँ चंडीगढ़ से या कहाँ से चले बाय रोड, तो महाराज श्री हमको कुल्लू पहुंचाने आए, उनको वहां रहना नहीं था, या तो वहां से कोई इस तरह प्रकार का निमंत्रण भी नहीं था, लेकिन चलो हम आपको पहुंचाने आते हैं, वो छोड़ने आते हैं ऐसा नहीं बोलते, पहुंचाने आते हैं। बोले हम छोड़ेंगे तो नहीं, इसलिए छोड़ने नहीं आते, हम आपको पहुंचाने आ रहे हैं आपके साथ। फिर रास्ते में हमने एक जगह दोपहर में, इसलिए तो मैं पूज्य महाराज श्री को वात्सल्य मूर्ति कहता हूँ, खाना वाना सब वहाँ, उस वक्त पहली बार महाराज श्री ने मुझे 100 साल पुराना नींबू का अचार पवाया भोजन, बैठ के नीचे बैठ करके प्रसाद पाए, और प्रसाद पाते पाते महाराज श्री की दृष्टि एक जगह गई, कुछ पौधे लगे हुए थे, मुझे वो देख रहे हो माय डियर, मैंने कहा क्या, बोले वो वाला पौधा, हाँ महाराज श्री बहुत सुंदर, क्या है, क्या पता, वही विजयन धनु हूँ कपर दिनो विशल्यो बाण वाऊँ तो भंग। बोले यहाँ बहुत इस तरह से आसपास में मिल जाता है, तो अच्छा है सबको पता नहीं है। वो तो आप दिल्ली से हरिद्वार जाओ तो रास्ते सड़क के किनारे भी आपको मिल जाता है, अब वनस्पति को तो उगने से कौन रोके, तो इस तरह से होता है। और फिर इसलिए पहुंचाने आए थे पूज्य महाराज श्री कि पूरी यात्रा में मुझे कहते रहे, यहाँ जाना यहाँ जाना, ये दर्शन जरूर करना, कथा के मध्य में एक सत्र की कथा है, तो बिजली महादेव बड़ा विशिष्ट स्थान है हिमाचल में, तो तब पूज्य महाराज श्री के कहने से हम बिजली महादेव गए। अन्य भी जहाँ जहाँ पूज्य महाराज श्री ने सूची एक यादी बना रखी थी हमने, फिर कहा ये सारे स्थानों की मैंने पैदल यात्रा की है अपनी साधु अवस्था युवावस्था में, इन सब स्थानों की पैदल यात्रा करी। तो पहुंचाने आए और जैसे ही वहां उतारे पर गए, हमको वहां सेटल करके बोले ओके माय डियर अब कथा करो प्रेम से और जहां जहां मैंने कहा है वहां सब जगह जाना, उतर गए उसी दिन। तो जिन्होंने पैदल यात्रा करी हो अब हम लोगों ने जो व्रत 84 परिक्रमा करी थी उसका जितना आनंद था, कैलाश मानसरोवर में भी बहुत आनंद आया, बाय रोड गए,
लेकिन वो कार से गए थे, उस आनंद से ये वाला आनंद पैदल, क्योंकि वो डेढ़ महीने का था ब्रज चौरासी परिक्रमा, वो आनंद विशिष्ट और विशेष। लेकिन जो लोग हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे कैलाश मानसरोवर, वो या तो उसी दिन निकल गए या दूसरे दिन निकलना पड़ा, तबीयत खराब हो गई। क्यों? शरीर एक्लेमेटाइज नहीं हुआ, उस ऊंचाई और उस वातावरण में ढला नहीं। क्यों? उसको अवसर नहीं मिला। तो जब आप बाय रोड जाते हैं, आप पैदल जाते हैं, तो फिर धीरे 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 आपके ऊपर वहां के वातावरण का ऐसा प्रभाव बनता है कि शरीर उसमें तदनुरूप अपने आप को बना लेता है। तो जो बात शरीर की है, तन की है, वही बात मन की भी है, तो मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए यात्रा थोड़ी कष्टप्रद लगे तो भी यात्रा को यात्रा की तरह जब हम करते हैं तो उसका विशेष आनंद आता है। आजकल साधन बढ़ गए हैं, धन भी बढ़ा है और समय कम है और सहने की तैयारी भी बहुत अब कम रह गई है, अतः हम एक संतोष मान लेते हैं कि हम हो आए, हम मुक्तिनाथ हो आए। अभी हम नहीं हो आए लेकिन बीज तो पड़ा है, जब भगवान मुक्तिनाथ कृपा करेंगे तो वहां कथा पता नहीं, हम पता नहीं, हमको दृढ़ इच्छा शक्ति वाली बात है उसमें हम थोड़े कमजोर हैं। भगवान के सामने रख दें, ठाकुर जी चाहे तब होगा। तो संसार में और व्यवहार में वो सफल होता है जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो, और अध्यात्म में इच्छा राहित्य। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते यतो विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार। वो स्थिति तो ठाकुर जी की कृपा हो तो बने, लेकिन तब अध्यात्म में उसका आनंद है। डूइंग वो एक चीज है, इट्स हैपनिंग वो एक बात है। तो यात्रा उस प्रकार से जब होती है तो उसका विशेष आनंद है, ये कहने का तात्पर्य है। सुदाम भैया पैदल यात्रा करते हुए सुदामापुरी पोरबंदर से चले और द्वारका पहुंचे कितने दिनों में? हमारे यहाँ पता नहीं, ये मान्यता है कि वो अक्षय तृतीया के दिन निकले थे। तड़का में निकले सुदाम, हारू छो नहीं जो टाइड न मरी जल पेरवन हो तो वोटवन हो तो क्या थी हो, पहनने के लिए भी एक फटी पोतड़ी ठंडी में, तो फिर वो तो कहते अक्षय तृतीया के दिन चले थे। इसलिए हम लोगों ने एक उपक्रम शुरू किया, हम लोगों ने यानी यहाँ के भक्तों ने, सांदीपनी की ओर से नहीं, लेकिन बात चली तो हमारे वो खिम भाई ने और सब लोगों ने मिलकर के एक उपक्रम, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए ये शायद 4th साल है कि अक्षय तृतीया के दिन संघ निकलता है यहाँ से पैदल द्वारका, 5वें दिन द्वारका पहुँचते, बीच में सत्संग सभा ये सब होती जाती है। अब उन लोगों का बड़ा आग्रह है, भाव है कि आप एक बार उसमें साथ में जुड़िए। तो रोज का इतना किलोमीटर चलना, जैसे अपने काशी पंचक्रोशी तो हो गई, लेकिन ये मई के महीने में और फिर सौराष्ट्र वाला समर आऊ छे बजू भाई तो उसमें रात में कहीं ना कहीं उतारा
रात्रि विश्राम और सत्संग धर्म सभा इत्यादि, और ये करते करते पांचवें दिन द्वारका। तो अपने कैलाश मानसरोवर गए बाय रोड कार से, तो काठमांडू से निकले, मेरे ख्याल से पांचवें दिन कैलाश का दर्शन किया हमने। 30 तो ये सभी आए थे हमारे ऋषि कुमार, इसमें अभी कोई है जो साथ में आया था उस वक्त? हाँ, फाल्गुन भाई यहाँ बैठे, वे थे उसमें, क्योंकि 7 भागवत पाठ हुए, 7 रामचरितमानस के पाठ हुए, फिर 7 शिव पुराण के पाठ हुए, तो 21 तो वही ऋषि कुमार हो गए, और फिर 2-3 एक्स्ट्रा रखा था मांदा पड़वा माटे कि त्याना वातावरण में कोई मांदा पड़ी जाए, कोई खड़े, तो वो पाठ तो अखंड रहना चाहिए ना। हालांकि कोई ऋषि कुमार हमारे मजबूत है, कोई ज़्यादा ये नहीं हुआ। हार्दिक भाई भी सब साथ में थे और संभाल रहे थे। भरत भाई थे, भरत भाई दवे थे साथ में? नहीं थे। देखो, और सब सुबह पूजा हमारे हितेश जायसवाल और नीलम, वो उन्होंने मुख्य यजमान के रूप में वहाँ ये किया। 7 दिन की भागवत कथा हुई, रोज सुबह पूजा भी होती, भगवान शिव का अभिषेक रोज होता था और कथा होती थी, और कई भक्तों ने फिर पूरी की पूरी परिक्रमा भी लगाई कैलाश की। कैलाश परम रम्य गिरिवर कैलाश, क्या क्या आनंद भगवान ने कराया, इट्स ऑल हैपनिंग उनकी इच्छा से। रघुवर तारी मर्जी, तू इच्छे ते था तू भगवन कर भी ठाली अर्जी, रघुवर तारी मर्जी। तो जिनकी ब्रह्मादि सभी देवता पूजा करते हैं, अर्चिता, क्यों? वो अर्चिष्मान है। तो सभी देवता, सभी भक्तगण और लक्ष्मी के साथ सभी देवता भगवान वेंकटेश की पूजा, श्रियासह, या तो लक्ष्मी के साथ, एक अकेले वेंकटेश की नहीं, ऐसा भी भाव होता है ना, अकेले वेंकटेश की नहीं, लक्ष्मी के साथ वेंकटेश की पूजा करते हैं, या तो लक्ष्मी साथ है, लक्ष्मी के साथ मिलकर के सब लोग वेंकटेश की पूजा करते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मी बजती है उसी भाव से सब भगवान वेंकटेश की पूजा। तो वहां आप पहुंचो और उसके जो अणु परमाणु आपके शरीर पर, आपके मन पर असर करते हैं, व्रज में जाते ही एक नया ही भाव आपके मन में उठता है। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करो तो श्री गिरिराज जी का दिव्य स्वरूप दर्शन करते ही वहां के रज में, वहां के पत्थर पत्थर में परमात्मा है, तो एक अद्भुत भाव आप बरसाने जाते ही राधा रानी के समक्ष खड़े हो जाओ और पूरा भाव आपका बदल जाता है। अर्चिष्मान अर्चिता, ये प्रभाव है स्थानों का, वहां के श्री विग्रहों में वो तेज। अर्चिष्मान अर्चितः कुंभो, अर्चिष्मान अर्चितः कुंभो। अच्छा अच्छा, नाम मंत्र तो कर लो, इस नाम से मंत्र बनेगा। ओम अर्चिताय नमः, 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 ओम अर्चिताय नमः। सात्वत संहिता के अनुसार एक यज्ञशील नाम के ऋषि थे, यज्ञशील ऋषि ने इस नाम मंत्र का जप किया, और इस नाम मंत्र के जपानुष्ठान से यज्ञशील ऋषि को संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसी हुई कि पूरी दुनिया फिर पूजा करती है ना ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की।
तो यह मंत्र प्रतिष्ठा प्रद है। जो भी पाओ भगवान के माध्यम से पाओ तो प्रसाद है, नहीं तो अपनी सिद्धि का भी कभी अभिमान हो जाता है और सिद्धि भगवत प्राप्ति में बाधक बनती है। यह तो भागवत के एकादश स्कंद में भगवान ने समझाया ही है। लेकिन भगवान के माध्यम से पाओ तो ओम अर्चिताय नमः, इस नाम मंत्र के जपानुष्ठान से परम प्रतिष्ठा यज्ञशील ऋषि को प्राप्त हुई। यह मंत्र ऋग्वेद के 8:41-8 में संकेतित है। तो अर्चावतार में भगवान सदा अर्चित है और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। देश काल के अनुसार अन्यान्य अवतार साथ में रहने वालों का कष्ट हरते हैं, लेकिन अर्चावतार जो भी शरण में आ जाता है, प्रार्थना करता है, उन सबके कष्ट को हरण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबका मंगल करते हैं। हम उस श्री हरि की अर्चा निरंतर करते हैं श्री हरि मंदिर में। ठाकुर जी को शयन भी कराते हैं और ठाकुर जी शयन के समय में या मध्यान्ह में अनवसर जब होता है तो उसमें भी भगवान की अर्चा ही हो रही है। ठाकुर जी को आराम दिलाना, आरती उतारना, भोग धराना, ये सब तो भगवान का अर्चन ही है, लेकिन भगवान को आराम करने देना ये भी उनकी पूजा है, ये भी भगवान की भक्ति है। गुरु को आराम करने देना ये भी गुरु की भक्ति है। आप सब लोग प्यारे हो, आप तो वो करते ही हो, पण घना महाराज अमारे आटले आ गाम थी आया छे ने अमर पाछु निकली जाऊ छे। अर्चितः अर्चिष्मान अर्चितः कुम्भः, अर्चिष्मान अर्चितः कुम्भः। कुम्भः, वाह क्या नाम है। हमारे यहाँ गांव में कुछ एक समाज में ये नाम होता है कुंभा भाई, कुंभा भाई। और हमारे गांव देवका गांव के बगल में ही एक गांव है प्यारा, कुंभारिया। तो कुंभार कुंभारिया है, मत थे वो सर। हर गांव के नाम के पीछे भी एक इतिहास होता है। ये भी गजब का एनसाइक्लोपीडिया बन सकता है कि भारत में जितने गांव हैं उनके नाम कैसे पड़े, उसका इतिहास क्या है। ये भी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि पोरबंदर कैम तो नो इतिहास, छाया कैम, बगबदर। तो कुंभारिया ऐसा हमारे यहाँ कुंभ, कुंभार, कुंभकार, कुंभार काकड़ने के बच्चे थे ऐसे उठाए ना, कुंभकार ककड़ने के बच्चे कुंभार। कुंभार क्या मर से कि क्या रिया था कि आ रिया कुंभारिया। तो हमारे यहाँ वो कुंभारिया, जुलापर, देवका, ये तीन गांव का एक वो है। देवका किसका, देवका। वो जुलापरी नदी है, वो जो नदी है उसका नाम है जुलापरी। तो जुलापर है गांव, फिर आगे चल करके वो समुद्र में मिल जाती है। छोटी नदी है, कोई बहुत लंबी नहीं है, लेकिन प्यारी है क्योंकि गांव की। हम बहुत नाए हैं, घर में क्या नाला होता था, त्याज नावा जाऊ पड़ता था नदी है।
तो आज भी जब चौमासे में वो नदी बहती है और कभी मैं जाता हूँ वहाँ देव का, तो जरूर एक बार आचमन करके नावनु न था एक पग बोली ने तो आवुज अने एनु जे सुख मळे एनो जे आनंद मळे आपणो गाम आपणा गामनी नदी अने वहती होय एनो वेकरो, क्योंकि उसके किनारे पर बैठ करके जो आनंद किया है भणवा न जाता घना छोकरा तो न्या नदी जिन धूप का मरा करता सुखा मेला निशाल न के साहेब नहीं आया अने खरेखर साहेब लगभग अठवाडिया में चार दिन न आवता पण एनी उजाणी थाती दफ्तर किनारे नदीना गुनामा धुबका। वर्तमान समय के शहर वाले वातावरण के बच्चे, उसमें पले बड़े बच्चे बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते, और आज बच्चों के पास जो चीजें हैं वो उससे हम वंचित थे उस जमाने में। तो लेकिन मजे की बात यह है कि माता पिता का वात्सल्य प्रेम किसी भी चीज के अभाव को महसूस नहीं करने देते थे, नहीं तो अभाव में ही जिए। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को अभाव महसूस नहीं करने देते, और जो है उसमें इतना आनंद, इतने खुश। बिजली भी नहीं थी घर में, तो नल का सवाल नहीं था, तो नदी पर ही जाना पड़ता था रात्रि में फानुस, और बिजली नहीं था पंखा मंखा का एका। दिन में यदि बड़ों को झपकी लेनी होती थी तो पेड़ की छाया में वाहरावे हवा चलती रहती, और रात्रि में वाड़ू ब्यारू करने के बाद, डिनर के बाद, और फिर आंगन में वो खटिया बिछा के सोने में, वो खुले आसमान के नीचे और खुली हवा में जो आनंद आता था, आजकल के ऐसी फैसी की ऐसी की तैसी ऐसा मजा आता था खुले आसमान के नीचे। कुंभ बात ये, और चश्मान अर्चितः कुंभः, कुंभः कुंभ की भांति घट की भांति सबके निवास स्थान रूप। कुंभः ये ब्रह्मांड जो है अंड, उसका आकार, ये ब्रह्मांड का आकार ही कुंभ की तरह जैसे है, और उसी में सब कुछ है। कुंभवद यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम इति कुंभः। कुंभ में आकाश होता है, कुंभ में पानी होता है, कुंभ में दूध होता है, जो भी भरो कुंभ में जिस प्रकार रहता है उसी प्रकार ये जो कुछ है, ये सब कुछ जिसमें रहता है कुंभ। जहां जहां भगवान के स्वरूप की बात आती है, उसका वर्णन आता है, तो यही बात आती है कि प्रभु के अंदर सब कुछ है। तो सार गर्भित रूप में कुंभ, ऐसा भगवान का नाम है, कल्पना है कि भगवान वह कुंभ है, वह घट है, उसमें सब कुछ रहता है। या तो वही एकाक्षरी शब्दकोश कुम भूमिम भासयति इति कुंभः, पृथ्वी को प्रकाशित करने वाले कुंभ। कुम भूमिम बिभर्ति इति कुंभः, पृथ्वी का भरण पोषण करने वाले कुंभः।
भागवत में भी अमृत कुंभ की बात आती है और नवरात्रि में भी हम घट स्थापन करते हैं। अने आज गरबो शु आरती में गवाय जय आद्या शक्ति नी पूनम कुंभ भरो में कुंभ भरियो और संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम। घट यदि पूर्ण रूपेण भर जाता है तो फिर वो आवाज नहीं करता, नहीं तो पानी में डुबाओ अंदर की हवा निकलने लगती है, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़ आवाज निकलती रहती है और पानी अंदर भरता रहता है, लेकिन जब पूरा का पूरा भर गया तो फिर वो शब्द नहीं करता। उसी प्रकार वैसे घट में जो आकाश है, घटाकाश, तो सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा सब में, ये है ना जो हम कथा में भी चर्चा करते रहते हैं, सब परमात्मा में और सब में परमात्मा और सबके परे भी परमात्मा। तो वह आकाश, वो आकाश खम ब्रह्मा जो भर गया उस परम ज्योति से, जो भर गया अर्चना करते करते, वो जो अर्चित है उससे, उसके प्रेम से भर गया, उसके अनुभव से भर गया, उस परम तत्व से भर गया, तो संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, तो फिर भयो जहत अभमान। कुंभ, कुम भूमिम उम्भति गंधेन पूरयति, उम्भति इति कुंभ। भूमि को जो गंध से परिपूर्ण करता है, भूमि का गुण क्या है, पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। भूमि में उस गंध को किसने भरा और एक साथ कितने प्रकार की गंध, दुर्गंध सुगंध, दुर्गंध भी कितने प्रकार की, क्या वेराइटीज है दुर्गंध की भी। इतना बोलते ही बहुत कुछ चीजें याद आती है, सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और आपड़ा भाई धीरू भाई नो लगभग जोक्स छे ने, चलो बेहोश थी गयो हूँ थियो तके। अने खरेखर घना ना शरीर नी गंध एवी होय, तो कितने प्रकार की दुर्गंध और कितने प्रकार की सुगंध के, भाई ये चमेली की है, ये गुलाब की है, ये मोगरे की है, ये इसकी है, ये इसकी है, और उसी के अनुसार उससे बने हुए कितने प्रकार के इत्र, और केमिकली बनाया जाए तो न जाने कितने प्रकार के ये स्प्रे, सबकी गंध अलग 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 अलग, लेकिन सबका उद्गम स्थान तो पृथ्वी है। ये पृथ्वी से लिए हुए तत्वों से ही गंध बनी है, चाहे कुदरती हो चाहे मैन मैनमेड हो।
हमारे एक प्यारे भक्त है, तो उनका यही कामकाज है, महंगे महंगे स्प्रे बनाते हैं, पूरी दुनिया में जाता है, तो कितना काम होता है, कितना रिसर्च होता है, फिर वो डेवलप होती है एक सुगंध पर्टिकुलर, उसको फिर एक नाम दिया जाता है, और फिर जो बोतल बोतल में कुंभ ऐसा देह बनाया जाता है कि सुगंध तो बराबर अपने पहला बोतल ना प्रेम में पड़ी जाइए, कितनी ब्यूटीफुल है। और ऐसे महंगे महंगे इत्र, पूज्य महाराज जी के एक कार्षणी सेवक है कानपुर में, मैंने ये बात आप लोगों को कही है लेकिन मुझे याद आता है, संतों की मंडली थी साथ में और वो दिखाने आया कितने प्रकार के इत्र, तो एक इतनी सी बोतल 3 लाख रुपये की, इतनी सी बोतल, तो यूं थोड़ा सा वो करके महाराज को बोले, महाराज ये देखिए ये ट्राई करिए, बात तो है। तो एक महात्मा थे केवल लंगोटधारी, वैसे शरीर पर भस्म, बोले अच्छा वो कौन सा है बताओ, तो देना पड़ा उनको। अब महात्मा को कैसे ना कहे, तो उसने हाथ में लिया बोतल और पूरा बोतल उढ़ेल करके भस्म रमाते थे, आज इत्र रमाया पूरे शरीर पर, वो देखता रहेगा माय गॉड 3 लाख की बोतल इतनी सी, और इन्होंने पूरे अंग पर रमा लिया, महकत तो है। फिर सुन के कहते हैं महकत तो है। बारा श्री इतने हंसे कि बोले भैया तू चिंता मत कर। तो 3 लाख मां महाराज मैं क्या। सारी गंध कुम भूमिम उम्भति गंधे न पूरयति इति कुंभ। तो पृथ्वी में ये जो गंध नाम का गुण है वो भी परमात्मा के चलते है। फूलों में कौन सुगंध भरता है, तो गंधवती है पृथ्वी, न्याय शास्त्र में भी गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधवत्वम गंध ये पृथ्वी का लक्षण है, तत्र गंधवती पृथ्वी, इसलिए हम भागवत में भागवत की लीला को याद करें, अवतार विभव, तो वरा भगवान इसलिए पृथ्वीपति है और पृथ्वी को सूंघते हुए ही चलते हैं, जिसको आप प्यार करते हो उसकी गंध आपको प्यारी लगती है, उसको सूंघते हुए चलते हैं वरा कुंभ। चलो नाम मंत्र, ओम कुंभाय नमः, 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 ओम कुंभाय नमः। इस नाम मंत्र को जपने से सब कामनाओं की पूर्ति होती है, यह इसका फल है। शिव तत्वामृत के अनुसार सर्वप्रथम मणिविद्ध ऋषि ने, मणिविद्ध ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और उससे उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हुई। यजुर्वेद में 1987 में यह मंत्र संकेतित है, उल्लिखित है।
तो कामनाओं की पूर्ति के लिए ओम कुंभाय नमः। और वो कुंभ हमारा प्रेम से भरा रहे। पुराने जमाने में वो कुंभ में धन भरा रहता था, सोना मोहर धन सारा कुंभ में, चाहे वो धातु का चाहे मिट्टी का हो, ये भी कुंभ ही है, मिट्टी का है, एटले दुर्गंध है। तो जिस प्रकार गरबा की बात हम करते हैं तो उसमें छिद्र है, जन्मे छिद्रं चक्षुषु, क्या है मंत्र रुद्राष्टाध्याय में ही है ना। तो चक्षु इत्यादि सारे छिद्र इसी कुंभ में हैं। अब वो कुंभ प्रेम से भरा है, पुण्य से भरा है के पापनो घड़ो भराई गयो। अपने तेम के ना पापनो घड़ो है नो भराई गयो, घड़ो घट सब घट मेरो साई। कुंभाय नमः। अर्चिष्मान् अर्चितः कुंभः, अर्चिष्मान् अर्चितः कुंभः, विशुद्धात्मा विशोधनः, विशुद्धात्मा विशोधनः, विशुद्धात्मा, विशुद्ध आत्मा यस्य सः, विशुद्धात्मा परम शुद्ध निर्मल आत्मस्वरूप जो है, अतः भगवान का नाम है विशुद्धात्मा। अशुद्धि माया गंदगी या तो प्रकृति के सत्व रज तम इत्यादि गुण, उनके संग के चलते ये सारी गंदगी आती है भीतर। और परमात्मा तो है ही त्रिगुणातीत, ये माया से पर, प्रकृति से पर और माया के पति है, इसलिए भगवान में मलिनता अशुद्धि प्रविष्ट ही नहीं होती, प्रश्न ही नहीं उठता। विशुद्ध आत्मा तो गुणातीतम, त्रिगुणातीत होने से अति विशुद्ध आत्मस्वरूप विशुद्ध आत्मा। तो आत्म शब्दों स्वरूप पर्याय, आत्मा शब्द का, आत्मन शब्द का एक अर्थ होता है स्वरूप। तो ये जो अपना स्वरूप है वो शुद्ध है, शुचि है, पवित्र है, विशुद्ध आत्मा। आत्मा विशुद्ध यानी स्वरूप विशुद्ध। तो हम कहते हैं ना कि स्वभाव से कोई बुरा हो सकता है, स्वरूप से कोई बुरा नहीं। ईच एंड एवरी सॉल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो वो दिव्यता तो भीतर भरी है, हमें उसका अनुभव करना है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, देखो निर्मल नहीं कहा, हम चर्चा करते हैं ना रामायण में कि निर्मल नहीं कहा, अमल कहा है, क्योंकि मल उसमें हो ही नहीं सकता। मल का सदंतर भाव है विशुद्ध आत्मा, आत्मा में मल नहीं हो सकता। तो विशुद्धात्मा जो है, अमलात्मा जो है, ऐसे महात्मा का संग करने से अपने अंदर त्रिगुण के प्रति अधीन हो जाने से या उसके संग से जो अशुद्धियां आई हैं, जो मलिनता आई है, वो ऐसे अमलात्मा महात्मा विशुद्धात्मा उनके संग में रहने से वो मलिनता दूर हो जाती है। इसलिए संत भी स्वयं तीर्थ रूप होते हैं और जहां जाते हैं जहां रहते हैं उसको तीर्थ बना देते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। तो ऐसे विशुद्ध आत्मा महापुरुषी तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं।
तीर्थों की महिमा को प्रकट करते। विशुद्धात्मा नाम का मंत्र बनाए। ओम विशुद्धात्मने नमः। 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 गंधमाली ऋषि ने इसका जप किया था, अनुष्ठान किया था शिव रहस्य के अनुसार, इसलिए वो गंधपाली ऋषि इस मंत्र के ऋषि है। और इसको जपने से गंधपाली ऋषि का मन शुद्ध हुआ। तो भीतर की जो शुद्धि हम चाहते हैं कि हमारा मालिन्य दूर हो जाए और हम आत्मा के उस अमल स्वरूप का अनुभव करें, तो ओम विशुद्धात्मने नमः इस मंत्र का अनुष्ठान साधक को करना चाहिए। एक एक नाम मंत्र रूप है। जिस प्रकार एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, तो यहां एक एक शब्द एक एक नाम मंत्र रूप भी है। तो नाम का संकीर्तन करो और मंत्र का जप करो। तो एकांत में बैठकर मंत्र जप अनुष्ठान करना हो, ओम विशुद्धात्मने नमः इस मंत्र जप अनुष्ठान से मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। और जो विशुद्धात्मा परमात्मा अंतर्यामी रूप से भीतर रहे हैं उसका अनुभव हो जाता है। विशुद्धात्मा विशुद्धात्मा विशोधनः। विशुद्धात्मा विशोधनः। विशोधनः स्मरण मात्र से समस्त पापों का नाश करके भक्तों के अंतःकरण को परम शुद्ध कर देने वाले विशोधनः। तो विशुद्धात्मा है वही विशोधनः है। देखो दोनों नाम में संबंध। विशेषेण शोधयति इति विशोधनः, विशिष्ट रूप से जो शोधन करता है, शोधन करने का मतलब है शुद्ध करता है, चोखू करे वाली चोड़ी ने भगवान। अरे भगवान की कथा, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम। तो उसी तरह जो विशुद्धात्मा है वही विशोधनः। तो आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं स्मृति मात्रेण पापानां क्षयणात् विशोधनः। स्मृति मात्र से जीव के पापों का नाश कर देते हैं, अतः भगवान विशोधन है। तो भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण, एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धि न विद्यते विशोधन। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। प्रारंभिक विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का इन श्लोकों से हुआ है। तो हर प्रकार से जापक को, आराधक को विशुद्ध कर देते हैं। विशेषेण शोधयति मतलब फिर उसमें वो बीमारी, वो गंदगी, वो मलिनता फिर नहीं आवे। ऐसे विशोधनः। देखो भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया, 24 अवतार में एक अवतार धन्वंतरी अवतार भी है। और धन्वंतरी भगवान ने भी वो अमृत कुंभ लेकर और औषधियों को लेकर के प्रकट हुए। तो औषधि और आयुर्वेद, आयुर्वेद के आराध्य देव भगवान धन्वंतरी है। तो आयुर्वेद में भी पंचकर्म के द्वारा शरीर का शोधन होता है कि नहीं? क्या क्या है? स्वेदन, स्नेहन, लंघन
वमन क्या रह गया? विरेचन। ये पांच कर्म है। समय समय पर जाकर के डिटॉक्सिफाई करलाने जाते हैं। ये अमेरिका लंदन वाले तो बहुत आते हैं इंडिया में। हमारा वजू भाई ने ज्योत्नाबेन पनाटो मारिया रहा दक्षिण में। हम भी साल दो साल में चले जाते हैं हमारे स्थान में। तो पंच कर्म के द्वारा आयुर्वेद में भी शरीर के शोधन की सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाए, त्राण मुख्य पछी बोतेर अने पछी एना पाछा नाना 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 प्रकार ने माथी केटली निकले 72,000 नाड़ियों शरीर में छे एवं कहे। पण आ 72 नो जे आंकड़ो छे 72,000 मुख्य पाछी त्राण ईड़ा पिंगला सुषुम्ना આ 72 હુર જે છે ને ઓલા લોકો નિયમમાં કઈ એ સમજવામાં ભૂલ કરીને ઉંધેર વાળે ચડી ગયા, ગાંડા થઈ ગયા, સમજવામાં ભૂલ કરીને ઉંધેર વાળે ચડી ગયા એને 72 હુર 72 હુર એ લાલસા હે, લાલચ હે કે વહા જન્નત મેં શરાબ કી નદિયાં બહેતી હૈ। अब जिससे बचना है तो उसके लिए इबादत करे। वो हूर, अरे हूर हूर कट नक्शे, तो नाड़ियों का शोधन, प्राणायाम, पंचकर्मादि चिकित्सा और नियमित जीवन में योग। तो भगवान धन्वंतरी और फिर भगवान पतंजलि चित्त का विशोधन। क्या भगवान पतंजलि के वंदन का एक श्लोक है कहीं? है योगेन चित्तम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वाह, व्याकरणाचार्य गायु संगीत मा बढ़िया। पहली बार शायद सुना आपको हमने गाते हुए, तो बहुत बढ़िया। योगेन चित्तम चित्तस्य योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम पदेन वाचाम। हाँ, योग के द्वारा चित्त का और पद के द्वारा यानी व्याकरण व्याकरण के द्वारा वाचा वाणी के मल को अशुद्धि को दूर करने वाले। व्याकरण जो पढ़ा है उसी की वाणी एकदम शुद्ध और एक एक शब्द का सम्यक प्रकार से उच्चार करने वाला होता है। और एक शब्द सम्यक प्रयुक्त है, वो जो कहते हैं स्वर्गे लोके च कामधुक भवति, निश्चित ही शब्द ब्रह्म है। अतः व्याकरण के द्वारा वाणी की अशुद्धि, व्याकरण ठीक है तो उच्चारण ठीक है और उच्चारण ठीक है तो ये, और फिर चित्त का शोधन हो जाता है जब योग के द्वारा, तो आचरण शुद्ध होता है। तो उच्चारण और आचरण दोनों शुद्ध हो जाता है तो मालिन्य दूर हो जाता है। विशोधन, क्या कनेक्शन है? विशुद्धात्मा विशोधन। और फिर ऐसी वाणी फिर और भगवान में लग जाए, नाई धोइन पछी भगवान ने पूजा कराए, तो इस प्रकार से विशुद्ध वाणी के द्वारा
जब भगवान का स्तवन होता है, ममत्वे ताम वाणिम गुण कथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे शंभो, आपके गुण कथन से होने वाले पुण्य के द्वारा मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं, इसलिए मेरी बुद्धि स्तोत्र गान में प्रवृत्त हुई है। तो वो नलकुबर मणिग्रीव ने क्या स्तुति करी भगवान की, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हाँ, शिखो तुम्हें व्याकरण शिखो। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। तो स्मरण से मन की शुद्धि, कीर्तन से वाणी की, दर्शन से नेत्र की, सेवा से हाथ की, यात्रा से चरण की, इसमें सार्थकता है और शुद्धि है। श्रृण्वताम स्वकथाम श्रवण, श्रृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो ह्यभद्राणी विधुनोति सुहृत् सताम। श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण के यश का श्रवण कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले। कथा सुनने वाले के हृदय में जाकर के भगवान स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को मिटा देते हैं, क्योंकि वे संतों के, भक्तों के नित्य सुहृद है। सुहृत् सताम, नाम मंत्र क्या बनेगा? ओम विशोधनाय नमः। 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 एक मंथान ऋषि थे, सात्वत तंत्र के अनुसार मंथान ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और इसके अनुष्ठान से उनको वही विशेष शुद्धि प्राप्त हुई, और जो शुद्ध हुआ उसके जीवन में शांति और वही सुखी। तो शुद्धि कारक है ये मंत्र। ऋग्वेद में 10:85-19 इसमें संकेतित है। अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो, अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो, विशुद्धात्मा विशोधनः, विशुद्धात्मा विशोधनः। बस यहीं तक यात्रा करें, आगे वाली यात्रा 4 बजे से करेंगे। कुंभ में कुछ भर ले। अनपसी 1:30 कुंभ भरियो, इतना भी ज्यादा नहीं भरना, लेकिन खाली रहे कुंभ तो भी अतः भरना जरूरी है। तो भगवान नाम संकीर्तन से इस पहले सत्र को विराम दें और थोड़ा कुंभ में कुछ भर लें। हरिः शरणम्, 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 हरिः शरणम्।
शरणम् हरिः 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 शरणम् सच्चिदानंद भगवान सदगुरु भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव ने कुंभ के अर्थ के साथ हम सबको बहुत अच्छी तरीके से जोड़ा, स्वयं ज्ञानावतार है, ज्ञानोपदेश करते फिर भी हमें साथ में जोड़ लेते हैं, अरे वो क्या ये पूछते हुए हमें ही आगे करते हैं, क्योंकि वो स्वयं तो ज्ञान कुंभ है। ऐसे हमारे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए 4 बजे के सत्र में पुनः मिलते हैं। 3:30 बजे विष्णु सहस्त्र पाठ का शुभारंभ हो जाएगा, आप सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और 4 बजे सत्र शुरू होगा। यहाँ से गुरुदेव सीधे हरि के बगीचे में जाएंगे, वहाँ साधन सहायता कैंप जो है वहाँ जाएंगे, हम भी वहाँ साथ में रहेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे वेस्टर्न कैरेबियन क्रूज बाय संस्कृति फाउंडेशन USA। पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा के साथ स्पिरिचुअल रिट्रीट एवं धर्म यात्रा। डेट्स 30th जून टू 7th जुलाई 2024। टूर विल स्टार्ट ऑन 30th जून फ्रॉम गैल्वेस्टन टेक्सास फॉर 7 nights and 8 days। एंजॉय इंडियन एंटरटेनमेंट एंड वेजिटेरियन फूड इन लग्जरियस क्रूज। Contact for booking Ashish Thakkar USA +1 678 788 4344, Arvind Bhai Patel USA +1 313 850 9937, Keyur Shah Jaya Travels USA +1 248 701 8141, for India Jaya Travels Mumbai।
Yeah.